आवास, सरकार पीएम आवास योजना के तहत बनाएगी घर। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 3 करोड़ आवास। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि मोदी कैबिनेट जो कि सरकार गठन के बाद पहली ये मोदी कैबिनेट की मीटिंग है और जिसमें फैसला लिया गया है, ये बड़ा फैसला गरीबों के लिए, जिसमें बनाए जाएंगे 3 करोड़ नए आवास। सरकार पीएम आवास योजना के तहत घर बनाएगी, 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 3 करोड़ घरों के निर्माण के लिए सहायता देगी सरकार। तो ये पहला बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट में लिया गया है। घरों में शौचालय के साथ एलपीजी कनेक्शन भी किया जाएगा। और बता दें कि ये वो बड़े फैसले हैं जो कि पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं। तो गरीबों के लिए ये बड़े फैसले, जिसमें 3 करोड़ आवास, शौचालय और एलपीजी सिलेंडर, यानी कि ये 3 बड़े जो फैसले हैं गरीबों के लिए पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। तो बता दें कि सरकार गठन के बाद बीजेपी के तीसरे टर्म में, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है, कल ही शपथ हुई है और आज ये पहली बैठक हुई है, और इस कैबिनेट बैठक के ये बड़े फैसले हैं जो कि गरीबों के लिए लिए गए हैं, जिसमें 3 करोड़ नए आवास को लेकर फैसला लिया गया है, शौचालय, और इसके साथ ही बता दें कि एलपीजी गैस की सुविधा, यानी कि इन सभी फैसलों में सहायता देगी सरकार। तो 3 करोड़ घरों के निर्माण के लिए सहायता देगी सरकार, घरों में शौचालय के साथ एलपीजी कनेक्शन के लिए भी मदद करेगी सरकार। तो ये बड़े फैसले मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में लिए गए हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। कुछ चेहरे ऐसे थे जो कि पहले भी कार्यकाल में शामिल रहे हैं कैबिनेट में, और कुछ चेहरे ऐसे थे जो कि पहली बार इस मीटिंग में, या यूं कहें कि पहली बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। सांसद तो कई बार बने होंगे, लेकिन मंत्री पद की शपथ उन्होंने पहली बार ली है। तो ऐसे में ये तमाम मंत्री जो कि आज कैबिनेट बैठक में शामिल हुए हैं, जिसमें चर्चा हुई कई विषयों पर, और ये जो बड़ा फैसला लिया गया है गरीबों को लेकर, वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें जो बड़ा फैसला है वो गरीबों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए आ रहे हैं कि हमारी सरकार हर तबके के लिए काम कर रही है, और जब तक सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाता है या अन्य लोगों के बराबर नहीं आ जाता है, तब तक हम गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। तो ऐसे में मोदी कैबिनेट का ये पहला बड़ा फैसला, जो भी आपको बता रहे हैं कि जो कि गरीबों के लिए ही है, और उनके लिए 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे, 3 करोड़ आवासों का निर्माण करने के लिए सरकार सहायता देगी। तो मधुरेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से। मधुरेंद्र, देखिए मोदी कैबिनेट पहली कैबिनेट मीटिंग है और ये पहले बड़े फैसले सामने आए हैं जो कि गरीबों को ही ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, पहली कैबिनेट की बैठक और उन लोगों के घरों पर, एक तरह से उन लोगों के सर पे छत का इंतजाम सरकार करती नजर आ रही है, जिन्हें अब तक पीएमवाई का लाभ नहीं मिला है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसे 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इस बात पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। और आप तकरीबन समझिए कि 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना जब चल रहा है, अब तक 4.21 करोड़ घर इसके तहत बने हैं। और ये ऐसे घर हैं जिसमें तमाम तरह की सुविधा होती है, यानी टॉयलेट होता है, वाटर कनेक्शन होता है, बिजली होती है, और इसके अलावा आप देखिए तो इन घरों में खासतौर पर नल कनेक्शन के अलावा एलपीजी कनेक्शन भी सरकार देती है। तो एक बड़ा फैसला है। सुबह सुबह हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री जब पीएमओ पहुंचे तो सबसे बड़ी राहत जो है वो किसानों के लिए सामने आई, जिसमें किसान निधि को उन्होंने सैंक्शन किया। और अब शाम में हो रही इस कैबिनेट के बाद का जो सबसे बड़ा फैसला है वो दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सामने आया है, जिसमें 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने रखा है और इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मधुर इन तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों के साथ में संवाद किया। पीएमओ के कर्मचारी जिनसे बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए।